नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। पीछे के समय में पिछले 10 साल में जो है वो हर साल 1000% का रिटर्न दिया है। हर साल आप देखेंगे तो 1000% का रिटर्न हर साल। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन शेयर आपको बहुत ही कम देखने मिलेंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन शेयर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो शेयर है हमारा एल्काइल एमिन्स केमिकल्स लिमिटेड। ऐसे ही मल्टी बैगर शेयर, ऐसे ही बेहतरीन शेयर हम आपको अपने चैनल पर बताते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आपको रिटर्न दिखाते हैं लॉन्ग टर्म में। देखिए 2008, 2007, 2009, 2009 से ही हम देखते हैं। तो 2009 से आप इसका रिटर्न देखिए, 2009 से इसका रिटर्न है 11000%। तो 11 साल में आपको 11000% का रिटर्न आपने देखा, 1000% का रिटर्न हर साल है। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन शेयर आपको हम इस वीडियो में बताते रहते हैं, मतलब इस चैनल पर बताते रहते हैं। तो चलिए हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे। और कंपनी काफी बेहतरीन है। अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो फ्लैट है, 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो उसमें भी काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है कंपनी। 1 ईयर में देखिएगा तो अभी 273% का रिटर्न दे रहा है 1 ईयर में। तो दोस्तों जबकि निफ्टी में गिरावट है, हमारे सेंसेक्स में गिरावट है, मतलब हर इंडेक्स गिरा हुआ है, उसके बावजूद ये आपको लगभग 300% का रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे ही बेहतरीन कंपनी हम आपको इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो दोस्तों एल्काइल एमिन्स, सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, फिर हम इसके लेवल्स और टारगेट देखेंगे। और अगर आप अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोजिशन बनाते हैं, तो क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या सपोर्ट होगा, क्या टारगेट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, हर चीज को हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए वैल्यूएशन का। तो कंपनी का वैल्यूएशन 6600 करोड़ मार्केट कैप है, जो कि एक हमारा मिड कैप कंपनी का ही है, छोटी सी मिड कैप कंपनी। आर पी 28 का है, जो कि इंडस्ट्री के पी से अभी भी काफ़ी कम है। तो देख सकते हैं इतना बेहतरीन रिटर्न के बावजूद कंपनी का पी जो है इंडस्ट्री के पी से कम है, मतलब अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, 114 रुपया है, 114 रुपीज़। डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा देती है, 400% का, मतलब 20 रुपीज़ पर ईयर आपको डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो काफ़ी बेहतरीन है ये सारे पैरामीटर्स पे। चलते हैं कॉर्पोरेटेशन पे। तो डिविडेंड कंपनी का देख लीजिए, हर साल देती है कंपनी, एक 2020 में तो 2 बार दे भी चुकी है। बोनस पे क्लिक करते हैं, कंपनी काफ़ी समय पहले बोनस शेयर दिया है। उसके बाद कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट किया 2014 में 10 रुपये फेस वैल्यू से 5 रुपीज़ में। तो इस तरह समझ सकते हैं कि आपका शेयर भी इसमें 2 गुना मल्टीप्लाई हुआ है, साथ साथ हर साल 1000% का रिटर्न भी दिया है कंपनी। तो काफ़ी बेहतरीन है। वहीं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 74.19% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी बेहतरीन है। देख सकते हैं सेल्स में कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी जंप किया है, 35 करोड़ से देख सकते हैं 52 करोड़ पे आ चुका है। अगर आप एनुअल देखेंगे तो एनुअल काफी जंप किया है, रिजल्ट काफी, मतलब प्रॉफिट जंप किया है। यहां पर देखते हैं 49 करोड़ था 2016 में, यहां आ चुका है 215 करोड़ पर। तो काफी जंप हुआ है प्रॉफिट, और रेवेन्यू भी काफी इंक्रीज हुआ है, 483 करोड़ से 992 करोड़ चला जा चुका है सेल्स। तो काफी अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, सेल्स भी इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, काफी ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी के बैलेंस शीट पर चलते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है ये देख लेते हैं। कंपनी का यहाँ पर देख लीजिए रिजर्व सरप्लस लगातार इंक्रीज हुआ है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंपनी पे कोई वैसा मतलब डेट नहीं है जिस पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना हो। और वहीं का बात करें लॉन्ग टर्म डेट का, तो 47 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम है। और नीचे चलते हैं तो टोटल डेट जो है कंपनी के ऊपर 92 करोड़ का है, काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, मतलब काफ़ी पॉजिटिव है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें 32 करोड़ है, तो ये कुछ खास नहीं है। तो सारे पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, हम वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पर उसे फॉलो करते हैं, साथ साथ हम उसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको नया इन्वेस्टमेंट इसमें करनी हो तो उसको डेली चार्ट पर हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम डेली चार्ट लगा है, इसको कर देते हैं हम मंथली चार्ट। सबसे पहले हम मंथली चार्ट पर देखेंगे क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लॉन्ग
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, कभी भी अपना मंथली चार्ट पर अपने पीछे के लो को ब्रेक नहीं किया है। जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, मतलब मंथली चार्ट पर हम उसे देखते हैं, तो 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स की बात करते हैं, और इस समय में वो कभी भी अपना पीछे का लो ब्रेक नहीं किया हो। आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये काफ़ी समय तक कंसोलिडेट किया था, यहाँ से देख सकते हैं 2014 से लेकर के ये 2017 तक कंसोलिडेट किया था, इस दौरान भी वो अपना जो पीछे का लो यहाँ से आया था उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जब भी ये चला स्टॉक्स तो अपने पीछे के लो को कभी भी ब्रेक नहीं किया, तो जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद हम वीकली चार्ट पर देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी ये कंपनी काफ़ी सॉलिड दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे भी ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। वीकली चार्ट पे भी देखिएगा ये अपना कभी भी लो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ तक कि जो पैंडमिक था उसमें जो गिरावट आया उसमें भी ये अपने पीछे के लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ देख सकते हैं ये पीछे का लो था, उस यहाँ पर जो पैंडमिक में गिरावट आया वहाँ पर भी अपना पीछे का लो ब्रेक नहीं किया वीकली चार्ट पर। तो अगर वीकली चार्ट पे कभी भी वीकनेस दिखता है स्टॉक में तो आप निश्चित है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए होते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए, वीकली चार्ट पे जब भी वो आपको स्टॉक्स मतलब वीकनेस दिखाएगा तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, और साथ साथ जो इसका वीकली चार्ट पर सपोर्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वीकली चार्ट पर है कंसोलिडेशन इसका चल रहा है, देख सकते हैं ये स्टॉक अप्रॉक्स 3500 तक जा चुका था, अब यहाँ से थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज पे। अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब वीकली चार्ट पे, या आप अच्छे लेवल्स पे अगर अभी आप कैच करना चाहते हैं तो आप डेली चार्ट पर इसे फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले ये कंसोलिडेट किया था, थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लिया था 2300 पर, यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया तो देख सकते हैं लगभग 1200 पॉइंट का यहाँ से ब्रेकआउट दिया, देखते हैं 2300 से ब्रेकआउट दिया तो 1200 के आसपास का ब्रेकआउट था, तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट था। तो आप यहां पर चाहते तो यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे, और यहां से जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो ये जो आपका जो अंतिम ये लार्ज कैंडल है इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस आप लगा सकते थे, या ये जो आप देखते हैं बड़ा ब्रेकआउट है इसके हाफ प्राइस पर आप लगा सकते हैं, ताकि आप कभी भी ये आपका जो वीकली चार्ट पर ये आप अपना जो प्रीवियस लो को ब्रेक करने की कोशिश करें, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखे तो आप लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट में एग्जिट हो। तो ये रहेगा आपका स्ट्रेटजी वीकली चार्ट पर। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर, जो कि अभी अभी चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, मतलब जो लोग अभी चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो वो डेली चार्ट पर इसे फॉलो करेंगे। डेली चार्ट पर यहाँ पर देख सकते हैं ये कंसोलिडेट कर रहा है, और RSI देख लीजिए, RSI भी यहाँ से मतलब RSI आपको यहीं पर बाय करने का सिग्नल दे चुका था, यहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल दे चुका था। तो जैसे फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनता है तो यहीं पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए 3100 पे, मतलब यहाँ से कुछ खास ये ऊपर नहीं गया है, तो आप अभी चाहें तो इस पर पहला अपना मतलब SIP कर सकते हैं, मतलब स्टॉक में अगर SIP मोड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहला SIP आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर RSI सिग्नल दिया, क्योंकि यहाँ जो RSI अपना बॉटम बनाया तो क्योंकि ये बुलिश था, यहीं से देखते हैं स्टॉक हमारा बुलिश है, जब हमारा RSI जो है 40 से ऊपर चलता है और ये यहाँ से लेकर के वो 80 तक जाता है तो हम उस स्टॉक को बुलिश बोलते हैं। मतलब हमेशा ये 60 से ऊपर है और कभी भी ये 60 से बुलिश है स्टॉक, और 60 से नीचे आता है स्टॉक तो जैसे यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो हम वहाँ पर अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं उस स्टॉक में। और सबसे बेस्ट होता है कि जब भी ये RSI 50 को क्रॉस करे, जैसे यहाँ पर 50 को क्रॉस किया, देखिए यहाँ पर 50 को जिस समय क्रॉस कर रहा था ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन रहा था, तो आप यहाँ पर आप इसमें चाहते तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते थे, और जस्ट आपका स्टॉप लॉस होता इस ग्रीन कैंडल का लो, मतलब ये जो आपका लो बनाया इस लो के जस्ट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते, मतलब 2800 आपका स्टॉप लॉस हो जाता आप यहाँ पर अगर पोजिशन आप बनाते तो 3100 के आसपास अगर आप पोजीशन बनाते इन्वेस्ट करते तो 2800 आपका स्टॉप लॉस हो जाता, तो 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता, और टारगेट यहां से ब्रेकआउट दिया तो निश्चित है कि आपको 1000 पॉइंट का कम से कम यहां से ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये स्टॉक मोमेंटम जब देता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता है। तो आप अगर अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप SIP इसमें स्टार्ट करें, और 2800 ही आपका स्टॉप लॉस होगा, कभी भी 2800
का मतलब लेवल ब्रेक करता है तो आप यहां से एग्जिट हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म करेक्शन में जा सकता है, एक बहुत बड़ा प्राइस वाइज करेक्शन दिखे। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस 2800 पर मेंटेन करना है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, जैसा कि आपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों चार्ट पे देखा, मतलब दोनों रूप से देखा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।